24 जून 2017, अमावस की वो काली रात जिसको बीते 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी वो रात राजस्थान के जहन में ताजा है। चूरू के मालासर गांव की वो घटना, जब रात को घड़ी में करीब 11 बज रहे थे, कुछ लोग सोने की तैयारी में थे तो कुछ लोग गहरी नींद में सो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक पूरा गांव ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा। नींद में सो रहे लोग अचानक हड़बड़ा गए और उठकर बैठे हो गए। बाहर देखा तो पूरे गांव में SOG और पुलिस की वर्दी में जवान ही नजर आ रहे थे, जिन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। इससे पहले कोई कुछ समझने की कोशिश करता, उससे पहले ही पुलिस ने मिशन को अंजाम दे दिया। धनागरी न्यूज की खास पेशकश हिस्ट्री स्ट्रीट में आपका स्वागत है और मैं हूं सिद्दीका मनोहर सोनी। आज की इस खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के सबसे बड़े एनकाउंटर की, वो एनकाउंटर जिसने ना सिर्फ जुर्म की दुनिया के सबसे बड़े खलनायक का अंत किया, साथ ही आतंक के एक अध्याय पर पूर्ण विराम भी लगाया, और वो खलनायक था आनंद। 24 जून 2017 की वो रात, जगह चूरू जिले का मालासर गांव। श्रवण सिंह के मकान पर अचानक रात को फायरिंग शुरू होती है और ये फायरिंग एक तरफा ना होकर दो तरफा थी। मकान के अंदर से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी तो वहीं बाहर से पुलिस और SOG की टीमें भी लगातार फायरिंग कर रही थी। 24 जून 2017 को जो एनकाउंटर हुआ वो तुरंत लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसकी कहानी साल 2015 में ही लिखी जा चुकी थी। 3 सितंबर 2015 को जब आनंद पाल को नागौर जिले के डीडवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाया गया था, तो वापसी के दौरान उसका छोटा भाई विक्की अपने साथियों के साथ हथियार लेकर आया और पुलिस वाहन पर फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी और आनंद पाल को भगा कर ले गया। SOG को तभी से दोनों भाइयों और उसके गैंग की तलाश थी। 4 सितंबर 2015 से पुलिस आनंद पाल और उसके भाई की तलाश में जुटी थी, लेकिन उसको सफलता मिली 2017 में। पुलिस ने हरियाणा के सिरसा से आनंद पाल के भाई विक्की और उसके करीबी दोस्त देवेंद्र उर्फ गुट्टू को दबोच लिया। दोनों से काफी समय तक SOG ने पूछताछ की, लेकिन दोनों का ही मुंह खुलवाने में पुलिस और SOG नाकाम रही, लेकिन अंत में SOG ने डर का रास्ता अपनाया और दोनों को एनकाउंटर की धमकी दी, जिसके बाद विक्की का दोस्त गट्टू टूट गया और उसने आनंद पाल के ठिकाने की जानकारी SOG को दे दी। SOG को अब आनंद पाल के ठिकाने की जानकारी थी, लेकिन इस बार SOG के मंसूबे आनंद पाल को पकड़ने के कतई नहीं थे। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई राजस्थान के सबसे दबंग और काबिल ऑफिसर दिनेश एमन को। दिनेश एमन के आदेश पर टीम ने आनंद पाल के फरार होने को लेकर संभावित रास्तों के बारे में छानबीन की, फिर कमांडो की मदद से चूरू से MP और हरियाणा के जाने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी करवा दी। 24 जून 2017 रात के करीब 11 बजे पुलिस चूरू के मालासर गांव में श्रवण सिंह के घर को घेर लिया। SOG टीम ने IG दिनेश एमन के दिशा निर्देशन में आनंद पाल को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आनंद पाल ने SOG से लोहा लेने का फैसला लेते हुए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी गई। 45 मिनट में आनंद पाल और उसके गिरोह की ओर से AK-47 से करीब 100 राउंड फायर किए गए, तो वही आनंद पाल की ओर से बस्ट फायरिंग तक भी की। 45 मिनट तक चली फायरिंग में SOG की टीम भारी नजर आई, लेकिन अमावस्या की काली रात होने की वजह से SOG को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और करीब 45 मिनट की फायरिंग के बाद, जैसा SOG ने अपने एनकाउंटर रिपोर्ट में लिखा कि आनंद पाल का अंत करने में सबसे बड़ी मदद की दर्पण के एक टुकड़े ने, जिसमें देखकर SOG ने आनंद पाल को पहली गोली मारी। इसके बाद आनंद पाल को लगातार 6 गोली मारी गई, जिसके चलते आनंद पाल मौके पर ही ढेर हो गया। कहते हैं कि आपका सबसे करीबी ही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के साथ भी यही हुआ। आनंद पाल ने जिस गट्टू को अपने भाई विक्की की तरह छोटा भाई मानते हुए अपनाया, उसने ही उसके साथ दगा किया और उसके अंत की वजह बना।
अगर गट्टू पुलिस से ना मिलता तो शायद आनंद पाल का एनकाउंटर ना हो पाता। 24 जून 2017 की अमावस की काली रात को आनंद पाल का चुरू के मालासर गांव में एनकाउंटर हो गया। 2006 से शुरू हुई आनंद पाल की कहानी का अंत अमावस की काली रात को हुआ। अगले एपिसोड में मिलेंगे ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।